चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। यह एक रेखा चित्र है। कर्मयोगी यानी कि जो हम कार्य लेकिन कर्म यानी कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला, सदा फल की अपेक्षा न रख कर कर्म करने वाला होता है, उसे हम कर्मयोगी बोलते हैं। तो ऐसे कर्मयोगी है हमारे लाल बहादुर शास्त्री। तो उसके बारे में हम थोड़ा जाने। वो इसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीति यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अपने पुस्तक लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। हमारे कर्म में जो होगा वही हमें मिलेगा। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा यह थे। तो इस बारे में हम इनकी क्या सोच थी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त, यानी ये एकदम सही है, यानी उचित है, क्योंकि मुझे तो इनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। इनका पूरा जीवन कर्म से है वो मुझे ऐसा लगता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यानी ये ऐसे ही सामान्य परिवार से इतने बड़े प्रधानमंत्री तक पहुँच गए तो वो कैसे बनोगे? तो वह पूरा रहस्य है। वो खुद कर्मयोगी इतना काम करके, वो इतना कार्य करके वहाँ तक पहुँचे, वो कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों पर बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। वो उन लोगों में से नहीं है कि मेरे नसीब में ये लिखा हुआ है तो ये तो होने वाला ही था, लेकिन वो उन यह सोच वाले में से नहीं है। वो यह सोचते हैं मैं काम करूँगा तो मुझे सफलता मिलेगी ही, मेहनत करके ही उसे अपना जो फल मिले उसे ही अपना कर्म मानते थे। वो ऐसे ही हमें कोई भी काम अच्छा हो जाए उसे वह मानते नहीं थे। वो उसे अपने कोई कभी भी अपने कर्म में नहीं कह सकते। हथेली की लकीरों से बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था उनको, और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते थे और धीरे धीरे छोटे पहले छोटी जगह से पे वहाँ से बड़ी 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 ऐसे मेहनत करके वह आगे बढ़ते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यानी वह एक ही बात थी कि वह कर्म है ना, वही मेरा जो कर्म है वही ईश्वर था, और उसके प्रति बिना किसी फल की वो कभी भी कोई कार्य ना करे और तो भी उस फल की कभी भी इच्छा के इसका फल मुझे मिलना चाहिए ऐसे वो इच्छा रखते भी नहीं थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस
और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी, यानी उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी के प्रति रूप था। यानी कोई भी ऐसे ही फल मिलता, उसे ऐसे कुछ भी मिलता तो वो उसके प्रति निष्काम यानी फल की अपेक्षा न रखते थे और उसके प्रति ऐसा ही नहीं थे मुझे ये मिलना चाहिए ऐसा भी वह ना रखते थे। और उनका जीवन दर्शन गीता के यानी जो भागवत गीता है उसके आधार के निष्काम यानी फल की अपेक्षा करे बिना उसके प्रति रूप से कार्य करते थे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि हम बोलते हैं सिर्फ कर्मयोगी कहते हैं तो इससे अच्छा हम ऐसा बोले कि निष्काम कर्मयोगी बोले तो कभी भी किसी के फल की अपेक्षा रखे बिना वह सब काम करते थे, काम करना फल मिले चाहे ना मिले। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था यानी कि श्रद्धा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें मुझे अनेक संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई देती है। वानी वो कुछ भी काम करते तो उसके प्रति दृढ़ आस्था से वो यानी अच्छी श्रद्धा से वो कोई भी काम करते वो अच्छी श्रद्धा से करते और उसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कर्म करते यानी वो जो काम करते और उसके काम करने का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण पूरी लगन लगा ध्यान लगा देना यानी पूरी लगन उस काम के प्रति लगा देना, उसे ये तीन बातों मुझे उन्हें संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यानी आप कोई भी काम में हो, ऐसा जरूर नहीं कि राजनीति, आप कोई भी राजनीति में हो, कोई भी सामाजिक क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में आप कार्य करते हो तो यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो तो उसके प्रति दायित्व यानी जिम्मेदारियों को आपको क्या दायित्व यानी जितनी भी जिम्मेदारी हो उसको क्या करना चाहिए अपने ऊपर यानी पूरी तरह से निवार करना चाहते हो तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए और उसी काम के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए। समन्वय होना यानी कि मेल होना चाहिए कि मुझे वह काम करना है, मैं अच्छी तरह से करूँगा और मैं करता ही रहूँगा, तभी आप सफल हो सकते हो। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। मैं उनको इतनी शास्त्री जी को लाल बहादुर शास्त्री जी को इतनी सफलता मिली है तो इसी के कारण ही मिली है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी कि भीतर रहा हुआ है, लेकिन कोई भी काम या फिर कोई भी समाज, कोई भी इतना ऊंचे तक पहुँचा, कोई भी व्यक्ति और कोई समाज या उसका कोई विकास और उसका रहस्य है ना, तो वो यही है कि उसका कार्य के प्रति लगन रखना और वो कार्य अच्छी तरह से करना। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वो क्या शास्त्री जी थे, वो कैसा जीवन जीते, एकदम सरल जीवन और जीवन में श्रम सेवा करनी, श्रम कराया यानी कि मेहनत करनी और सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं अभिव्यक्ति नहीं पाते थे बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का ऐसा सोचा था। उनके कार्यों या उसे देख कर उसके विचारों को इसे सोच के ऐसा नहीं लगता, लेकिन उन्हें देख के ही हमें ऐसा लगता है कि वह इतने ऐसा हो जाता है कि वो इतने अच्छे काबिल अभिव्यक्ति नहीं पाते, लेकिन उनके देखने से ही सभी भावों में ऐसा सोचा कि नहीं ये व्यक्ति ने इतना काम तो किया ही होगा। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि
यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। यानी वो जो भी काम करते थे वो अपने फायदों के लिए, नहीं तो एक फक्त किस लिए के राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र को क्या लाभ हो उसके लिए वह करते थे। उसमें इतनी बहुत बड़ी विशेषता थी, कभी किसी में लालच नहीं रखते थे, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और इन्हें उन्हें जाते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्धि राजनीति विरासत को संभालना और उसके आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यानी वो जो पंडित नेहरू थी उसकी उनके बाद जो राजनीति जो संभाल जो विरासत में उन्हें मिली वो इनके बाद इन्हीं को ही संभालने की थी, और वो संभालना कोई सरल काम नहीं था। यानी कम कठिन, यानी कोई सरल काम नहीं था, वह कठिन ही था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में है, शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। और सब को यही लगा कि यह काम सिर्फ नेहरू के बाद कौन कर सकते हैं, तो कि शास्त्री जी ही कर सकते हैं, और उन्होंने दृढ़ संकल्प शक्ति और द्वारा देश के इस आकांक्षा को भी पूरा कर दिखाया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। यानी कि वो उनका जन्म भी एक सामान्य परिवार में हुआ, और वो रहे भी सामान्य परिवार में ही, और उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार में ही हुई। लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तभी भी वो कैसे रहे, सामान्य ही रहे। ऐसा कुछ उसमें घमंड भी नहीं आया, और ऐसा कुछ नहीं कि भाई अभी मैं इतना बड़ा बन गया हूँ तो मैं और कुछ करूँ, ऐसा वो नहीं थे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा। यानी कि आटलू अब साध एटले इतना ये कि इतना सादगी वाला जीवन वो जो गांधी बापू ने जिया वो इसी तरह के थे, उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं लगता था। इसीलिए सब शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब, यानी उनके जैसा ही कुछ इतने उनके जैसा ही था। बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। यानी उनसे प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। यानी जो शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों का जो दो महान व्यक्ति थे भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहे कि आप भी ऐसी तरह कीजिए। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। यानी कि बाइबल यानी जो ईसाइयों की जो धर्म पुस्तक होती है ना उसमें, और वारिश यानी उत्तराधिकारी रक्षक, एटले वो यह कहना चाहते हैं कि शास्त्री जी ने संबंध में मुझे बाइबल की तरह वो बाइबल में लिखी हुई एक बात जिसमें लिखा हुआ है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। जो विनम्र लोग होंगे यानी विनम्रता जिनमें विनय होगी विनम्रता होगी वही क्या होंगे, पृथ्वी के वारिस रहेंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 यानी कि 17 वर्ष की थी। तब उन्होंने स्कूल में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र कितनी थी, 17 साल की थी, तब से वो इसमें प्रवेश स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया था। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। यानी कि उनसे उनके कहने या आह्वान यानी ललकार चुनौती को देख के वह स्कूल छोड़ के बाहर आ गए थे। उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लग रहा था, यानी देश को आज़ाद करवाना और सामाजिक कार्यों में उनका मन था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक
सेवा मंडल में शामिल हो गए, यानी 1926 में वह कौन से लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे, यानी जीवन पूरी जिंदगी वह जीते रहेंगे तब तक वहाँ के क्या रहे, सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अच्युत द्वार के काम में अपने आप को लगाया, यानी वह काम था उसमें अपने आप को लगा दिया और वह कार्य गांधी जी के इस बाद वह करने लगे, यानी वो उसके द्वारा करते रहे। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यानी जो नमक कानून तोड़ो आंदोलन था उनमें शास्त्री जी ने क्या किया, भाग लिया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कहाँ जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो सन 1940 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए, यानी 12 वर्षों में वो 7 बार कहाँ गए थे, जेल गए थे। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। वो ऐसे घबराते नहीं कि मुझे अब जेल जाना पड़ा तो मैं या ये काम छोड़ दूँ, ये सब नहीं। ललक यानी जो तीव्र इच्छा होती है, वह ऐसा उसे नहीं लगता था कि मुझे अभी एक बार जेल हुई तो अभी मुझे नहीं जाना, ये करना, वो ऐसा नहीं करते। वो आसानी से चले जाते थे। उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी, यानी जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा तीन वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो 1942 में थी वो सबसे बड़ी थी। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताया गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे, यानी वो इतने सारे काम करते रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। इतने बड़े सचिव बनाए गए, वो कितने तक रहे, 38 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि किसानों की दशा का अध्ययन, वो कैसा उनका चल रहा है, कैसे वो आगे नहीं हो रहा है उनका, किस तरह खेती नहीं, उनके सबको सूचनों सब दे के और उस कमेटी के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया, यानी कि उन्होंने जो जमींदार थे वो जमीन थी उसके ऊपर उन्मूलन, यानी कि जड़ मूल जो हम बोले ना, जड़ मूल से नष्ट कर देना, उतना उनके ऊपर क्या कर दिया, जो जिम्मेदारी थी उन्मूलन की उनके ऊपर इतना जोर दिया कि वो बात हमें ख़त्म ही कर देनी है, ऐसी कोई मुश्किल। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, यानी नगर पालिका में जुड़ गए। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया, यानी जो नागरिकों को समस्या है वो उनका निवारण कर देते। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, यानी जो वो पहले गांव में रहते थे तो उनका भी वह अनुभव, यानी उनको इतना सारा अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया, तो इतना अनुभव था, इसके साथ क्या जुड़ गया, तो कि इलाहाबाद के नगर पालिका का जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में
कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यवसायिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो। यानी जो छोटी छोटी समस्या, पहले छोटी छोटी समस्या है उसको क्या करना है, उसका निराकरण करना है, यानी उसका समाधान करके ऐसे कितनी सारे समस्याओं को उन्होंने निराकरण किया और व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित किए गए, यानी बहुमत द्वारा चुनाव हुआ उनका निर्वाचित करना, यानी बहुमत द्वारा उन लोगों का चुनाव उस कमिटी यानी उस व्यवस्थापक की सभा में उन लोगों को उनका चुनाव किया गया। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। वहाँ से उनके सांसद में जाने की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वो यहाँ से इस बात से आगे इस सांसद में आए थे और वहाँ कहाँ तक पहुँच गए, तो वो प्रधानमंत्री तक पहुँच गए। शास्त्री जी को वो किस लिए प्रधानमंत्री तक पहुँच गए, तो उनके इतने कर्म और निष्ठा के कारण वो यानी उतने इतना कार्य किया उसके कारण वहाँ तक पहुँचे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि इन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। तो श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी वो लाल बहादुर शास्त्री जी को राजनीतिक गुरु मानती थी कि उनके मार्गदर्शन के हेठर मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया, फिर वो देश की आज़ादी मिल गई, फिर वो किस तरह से पहुंचे, तो पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनाया गया, बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। और ये सब छोटे छोटे जो संचार परिवार लेके रेल और परिवहन संचार था, यानी संचार था, वाणिज्य था, उद्योग था, गृह था, उनमें महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी वह मंत्री रहे। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वो हमारे दक्षता यानी जो हम बोलते हैं ना प्रशासकीय यानी शासन से संबंधित, और दक्षता यानी निपुणता हम जो बोले वो प्रमाण दिया, निपुणता से प्रमाण दिया, वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। औपचारिकता यानी जो केवल कहने सुनने या दिखाने के लिए ही हो, सिर्फ कहने सुनने और दिखाने के लिए, तो उसी औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वो अपने पद के कारण वो पद का फायदा नहीं उठाते थे, और उनके कारण ऊंचा नहीं मानते। उनकी बड़ी सीधी सी धारण थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक बने। उनको जनता के ऊपर राज नहीं करना बल्कि उनके सेवक बनकर कि उनके कार्य करने हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्होंने अपना मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली। इतने सेवक बन के उन्होंने काम किया तो उनको वहाँ पे लोकप्रियता मिली, लोगों उसे चाहने लगे, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली, पूरे देश में भी वहाँ उन्हें लोग चाहने लगे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार किया। इसीलिए कारण के जनता को लगा कि यह हमारी मदद करेंगे, इसलिए नेहरू के निधन के बाद इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री बन के यानी 19 महीनों में छोटे से समय में उन्होंने कितनी सारी सफलताएं प्राप्त कर ली, वह एक उदाहरण बन गया। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव
नहीं था, यानी कि धुंधलापन यानी कि अस्पष्ट था नहीं थी, भटकाव भटकाव यानी लक्ष्यों को छोड़कर इधर उधर होना, ऐसा कुछ वो नहीं करते थे। हमारा जो लक्ष्य है हम वहाँ तक पहुँचना है उनका उद्देश्य था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसमय से काम किया, कोई जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजी यानी प्राधान्य हम जो बोलते हैं महत्व, वह तरजी स्वाभाविक रूप से अधिकार संपन्न, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसमय से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजी दी, यानी कि महत्व उनको इतने अधिकारियों को भी इतना महत्व दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए, यानी उस समारोह में गए थे उस समय में क्या विचार अपने व्यक्त किए कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हो। आपके भविष्य में मंजिल कहाँ तक, मंजिल चाहे कुछ भी हो, आपको ये बनना है वो बनना है कुछ भी बनना हो, लेकिन आपके प्रत्येक को हर सोचना चाहिए कि मैं पहले सबसे पहला इस देश का क्या हूँ, नागरिक हूँ। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। आपको यह अधिकार मिलता है लेकिन आपको इस पर थोड़ा बोझ भी आता है, जिसे समझना चाहिए और वह हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है। देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक ही व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंध से तहत होना चाहिए। अधिकार कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। यानी कि देश के प्रजातांत्रिक है तो हम जो प्रजा के लिए करते हैं वो निजी स्वतंत्र देता है, अरे हमें स्वतंत्र, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में यार अपने स्वेच्छाएं के लगा यानी स्वेच्छा जिस स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंध से तरह होना चाहिए कि हम खुद इस प्रति ये हमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसा जरूर नहीं कि सरकार प्रतिबंध लगाए तो ही हमें स्वेच्छाएं प्रतिबंध लगा कि वह काम हमें हमारी दृष्टि से नहीं करना चाहिए। ऐसे अधिकार कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की बहुत ही जरूर है। इस चैप्टर के शब्दार्थ है दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त समर्पण यानी स्वप्न अर्पित होना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ अंतर्गत, आस्था यानी श्रद्धा विश्वास, विरासत यानी उत्तराधिकार यानी वारसे में हम जो मिली गई है, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, अनमूलन यानी जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजी यानी प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत यानी समारोह अथवा इसे बोलते विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव।